अस्सलाम वालेकुम राजी, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज स्टूडियो। हॉट न्यूज स्टूडियो की जानिब से एक अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एडवोकेट जिब्रान नासिर को आज कोर्ट के अंदर एक पेटीशन दायर कराना था और अब वो पेटीशन उन्होंने दायर करा दिया है और अब उन्होंने एक नई ट्वीट की है जो आपकी स्क्रीन पर है। #MDCAT Our petition has been admitted and notices have been issued to PMC for airing on 16 December. जी हाँ नाज़रीन, अब इसका मतलब ये है कि उन्होंने बताया कि उनका petition अब आज admit हो गया है और notice ले लिया गया है PMC को, notice दे दिया गया है PMC को कि airing 16 December 2020 को है। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। आर पेटिशन क्वेश्चंस द ऑथेंटिसिटी एंड लीगैलिटी ऑफ MDCAT इवन इफ पीएमसी इश्यूज मेरिट लिस्ट बिफोर 16 इट डजंट अफेक्ट अस पेटिशन एज इफ द कोर्ट एग्रीज दैट MDCAT शुड बी रिकंडक्टेड और क्वेश्चन डिलीटेड फ्रॉम देन मेरिट लिस्ट वोंट बेटर प्रोसेस वुड हैव टू बी डन अगेन। इसका मतलब ये है कि वो बस बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि उनका जो पेटिशन है वो क्वेश्चन करता है MDCAT की लीगैलिटी और ऑथेंटिसिटी को। अगर पीएमसी पहले मेरिट लिस्ट निकाल भी देता है 16 तारीख से पहले, उनकी पेटिशन की डेट से पहले, तो वो उनके पेटिशन को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर कोर्ट एग्री कर जाए कि MDCAT को रिकंडक्ट होना है या फिर उन क्वेश्चन को डिलीट होना है मेरिट लिस्ट से जो पर्टिकुलर स्टेट या फिर प्रोविंस के टेक्स्ट बुक्स के आउट थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, तो वो प्रोसेस उन्हें वापस करना पड़ेगा, वापस मेरिट लिस्ट बनानी पड़ेगी डिलीशन ऑफ MCQs के साथ या फिर रिकंडक्ट करवाना पड़ेगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एडवोकेट जिब्रान नासिर ने अब ये कोर्ट ये पिटीशन दायर करा दिया है। अब देखते हैं अब आगे क्या होगा, पीएमसी का क्या रिएक्शन होगा, क्या एक्शन होगा, अब पीएमसी क्या रिजल्ट जारी करेगा, क्या होगा, क्योंकि दो टेस्ट के बाद उसे रिजल्ट तो जारी करना ही है। अब 13 दिसंबर 2020 के टेस्ट के बाद जो होगा वो हम सब देखेंगे। एजुकेशन के बारे में और न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेडिकल की तमाम तलबा को पता चल जाए कि आज कोर्ट में क्या हुआ। हम इस MDCAT के टॉपिक को मोमेंट बाय मोमेंट कवर कर रहे हैं और अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस या किसी भी और टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि MDCAT का क्या। शुक्रिया।